बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत ही फेमस कोट है, सम पीपल डाई एट 25 एंड आर्नट बरिड अंटिल 75, यानी कि बहुत से लोग 25 की एज में ही जीना छोड़ देते हैं। मतलब वह जिंदा तो रहते हैं बट वो अपनी लाइफ में जी नहीं रहे होते, क्योंकि वह एक ऐसा काम चूज कर लेते हैं जिसे करना उन्हें पसंद नहीं होता, बट क्योंकि वह उनकी मजबूरी बन चुकी है, उनकी सैलरी उसी काम से आती है, इसलिए वह हमेशा रैट रेस में ही फंसे रह जाते हैं और कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। द ग्रेट रैट रेस एस्केप के ऑथर MJ डिमार्को बोलते हैं कि हर दिन कोई ना कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचता है और हर दिन कोई ना कोई अपने बिजनेस में फेल भी होता है। कुछ लोग अपने बिजनेस से एक ठीक ठाक सी लाइफ जीने लग जाते हैं और कुछ लोगों के लिए तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। MJ डिमार्को जो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, जो अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द मिलियनेयर फास्टलेन के लिए जाने जाते हैं, वो बोलते हैं कि डायपर से लेकर डेथ तक हमारी पूरी लाइफ पहले से ही स्क्रिप्टेड होती है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि स्कूल कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, तब आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, और फिर हम वही स्क्रिप्टेड लाइफ को जीते चले जाते हैं और हमारी पूरी लाइफ केवल पे चेक के भरोसे ही चलती रहती है। हम पूरा महीना हमारी सैलरी का वेट करते हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और लाइफ में कुछ अलग करने का सोचना भी हमें सपने जैसा ही लगता है और लाइफ टाइम इस रेट रेस में भागते रहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना हमारा बस एक सपना ही रह जाता है। MJ डिमार्को ने अपनी पहली बुक द मिलियनेयर फास्टलेन में कॉन्सेप्ट बताया था कि इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। पहले साइड वॉकर, ये ऐसे लोग होते हैं जो जितना कमाते हैं उतना ही लुटाने में विश्वास रखते हैं। इनके अकॉर्डिंग तो जिंदगी चार दिन की है, इसलिए जितना भी ऐश करना है आज ही कर लो, कल का क्या आता पता। और ऐसे लोगों का पैसा पर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही उनके बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है ये सारा का सारा पैसा उड़ा देते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं जिन्हें ऑथर स्लो लर्नर्स बोलते हैं। ये लोग भी साइड वॉकर की तरह ही अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं, बट एटलीस्ट ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते तो हैं, ये अपने बुढ़ापे के लिए पैसे को सेव करके रखते हैं। बट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि स्लो लर्नर, तो ये लोग रिटायर होने के लिए 60 की एज तक का वेट करते हैं। इन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम दूर दूर तक नहीं सुना होता और ये लोग जरा भी रिस्क लेने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये पैसा बचाते हैं ताकि ये जब 60-70 साल के हो जाएंगे तब एंजॉय करेंगे। अब तीसरे तरह के जो लोग होते हैं उन्हें फास्ट लर्नर कहा जाता है। ये लोग 60 की एज तक रिटायर होने का वेट नहीं करते। ये लोग ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं जिसमें लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू एड हो सके और उससे ये जल्दी पैसा कमाकर अमीर बन सके और कम एज में रिटायर होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो ऑथर बोलते हैं कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे ये आपके ऊपर है, बट इफ यू वॉन्ट टू लिव लाइक 1% यू कैन थिंक लाइक रेस्ट ऑफ द 99%। मतलब कि अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो, अमीरों की तरह जीना चाहते हो, तो आपको 1% की तरह जीना सीखना होगा, उनकी तरह सोचना होगा, उनकी तरह एक्शन लेने होंगे, नहीं तो आप भी बाकी के 99% लोगों की तरह ही रह जाओगे। 1926 में वर्ड्स वर्क मैगजीन ने एक इंटरव्यू पब्लिश किया था जिसमें फेमस बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड से ये पूछा गया कि आप एम्प्लॉय का वर्किंग डे 6 डेज से यानी कि मंडे टू सैटरडे से कम करके 5 डेज यानी कि मंडे टू फ्राइडे क्यों किया, जबकि आप उन्हें उतनी ही सैलरी दे रहे हो जितने की पहले दे रहे थे, तो एक दिन कम क्यों? तब हेनरी फोर्ड ने कहा कि जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं वही लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करते हैं। अगर उन्हें एक दिन भी एक्स्ट्रा छुट्टी का मिलेगा तो वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स पर खर्चा करेंगे, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे और ज्यादा चीजों की शॉपिंग भी करेंगे। तो इन शॉर्ट इससे हमें नुकसान नहीं जबकि फायदा ही होने वाला है, क्योंकि लोगों के पास चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा फ्री टाइम मिलेगा। और फिर वही से दुनिया में 5 डेज वीक का कल्चर आया ताकि लोगों के पास वीकेंड फ्री हो और वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंज्यूम कर पाए। इसलिए मैक्सिमम लोग इसी तरह की लाइफ जीते हैं, वो रोज सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, अब चाहे उनका जाने का मन हो या फिर नहीं, बट यही सेम रूटीन वो अगले 5 दिनों तक फॉलो करते हैं और सैटरडे संडे को अपने पूरे हफ्ते भर की थकान को मिटाते हैं। उत्तर बोलते हैं कि मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे पास आता है और बोलता है कि तुम उसे 50,000 रुपए दे दो, तो वो उन पैसों को इन्वेस्ट करके अगले वीक वापस से लौटा देगा। अब तुम ऐसा करते हो और अगले वीक तुम्हारा दोस्त आकर तुमसे कहता है कि ये लो तुम्हारे 20,000 रुपए। इस पर कंफ्यूज होकर तुम बोलते हो कि 20,000, मैंने तो तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे और तुमने उससे भी ज्यादा देने की बजाय तुम उल्टा मुझे और भी कम पैसे दे रहे हो। इस पर तुम्हारा दोस्त हंसते हुए बोलता है कि सॉरी भाई, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में से बस यही पैसे बचे हैं, अब तुम्हें 30,000 का नुकसान हो गया है। तो इस पर तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछेगा कि क्या तुम दोबारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे? इस पर तुम उसे एक थप्पड़ खींच के लगाओगे और बोलोगे कि निकल यहाँ से। इस स्टोरी में हमें पता है कि ये एक स्कैम है
और हमारा 60% का लॉस हो चुका है। बट जब बात आती है रेट रेस की, तब हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम खुशी खुशी ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा हम अपने पैसों के साथ नहीं बट अपने टाइम के साथ करते हैं। जब भी आप मंडे टू फ्राइडे ये 5 दिन काम करते हो, जिससे कि बाकी के बचे 2 दिन सैटरडे और संडे को आप आराम कर सको और अपने कमाए हुए पैसों को खर्च कर सको, तो बेसिकली आप 2 दिन की फ्रीडम के लिए अपने 5 दिन को कुर्बान कर रहे हो, जो आपका नेगेटिव 60% का रिटर्न है। जबकि गवाए हुए पैसों को तो हम फिर भी कमा लेंगे, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है वह है टाइम, उसे तो हम वापस भी नहीं ला सकते। और अगर आप इसी तरह लाइफ जीते रहोगे और कुछ नया करने का नहीं सोचोगे, तो आप लाइफ टाइम रेट रेस में ही फंसे रहोगे और फाइनेंशियल फ्रीडम के तो बस सपने ही देखते रहोगे, क्योंकि गया हुआ टाइम वापस नहीं आता। और ऑथर बोलते हैं कि लोग इस रेट रेस से बाहर तो निकलना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, जिससे कि वो लाइफ अपने तरीके से जी सकें। बट जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, तो वो लोग सोचते ही रहते हैं कि समडे आई विल डू इट। तो इस तरह के लोगों का समडे कभी नहीं आने वाला है और वो सोचते ही रह जाएंगे। और दोस्तों, आपको किस तरह अपने गोल्स को अचीव करना है, उसके लिए ऑथर हमें 1-5-10 स्ट्रेटेजी का यूज करने को बोलते हैं। ऑथर बोलते हैं कि लोग अपने गोल्स को अचीव करना तो चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह उन्हें बनाया जाए और अचीव किया जाए। इसके लिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लेना होगा। मतलब कि सबसे पहले आपको सबसे दूर का गोल सेट करना है, यानी कि सबसे पहले आपको देखना है कि अगले 10 साल बाद आप कहां पर होंगे। अगर सब कुछ आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ, तो अगले 10 साल में आपकी लाइफ किस तरह की होगी, आप किस तरह का काम कर रहे होंगे, आप कितने बड़े घर में रह रहे होंगे, कौन सी कार चला रहे होंगे, ये सब हमें सोचना है। हो सकता है कि आपका ड्रीम हो कि आप एक बिजनेस खड़ा कर दें, जिससे आपको बाद में काम करने की जरूरत ना पड़े और सब ऑटोमेशन पर चलता रहे। तो अगले 10 साल बाद आप जिस जगह पर खड़ा रहना चाहते हो, वहां अपने आपको विजुलाइज करो। अब आपने देख लिया कि आगे 10 साल बाद आप इस तरह जीना चाहते हो, तो उसके लिए अगले 5 सालों में आपको किस तरह के स्टेप्स लेने होंगे, जिससे कि आप अपने ड्रीम्स की हाफ स्टेज तक पहुंच पाओ। अगर हो सकता है आप एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो और आपका 10 साल का विजन है करोड़ कमाना, तो उसके लिए अगले 5 सालों में आपको ऐसे क्या स्टेप्स लेने होंगे। शायद आपको कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, तो अगले 5 सालों में आपको उस स्किल में टॉप पर जाना होगा, उसमें मास्टरी हासिल करनी होगी। तो जब आप 5 साल का विजन तैयार कर लोगे, अब आपको देखना है कि अगले 1 साल में आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, और फिर 1 साल के बाद आपको अगले 1 महीने में क्या क्या करना है, उसकी लिस्ट रेडी करनी है कि अगले 30 दिनों में आपको किस तरह स्टार्ट करना है। तो जब आप 10 साल से बैकवर्ड होते हुए अगले 1 महीने पर आओगे, तो आपके पास एक रोड मैप होगा अगले 10 सालों का। फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, कब करना है, और आपका विजन बिल्कुल क्लियर होगा। तो ऑथर बोलते हैं कि आखिर मैंने ये सब कैसे स्टार्ट किया। ऑथर बताते हैं कि जब वो छोटे थे, तो उनकी दादी ने उन्हें $5 दिया करती थी, जिसे वो बैंक में जमा करवा देते थे। तो वो देखते थे कि उनके पास अचानक से ज्यादा पैसे हो जाते हैं, जिसे ऑथर फ्री मनी का नाम देते हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, जिसमें आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। बट बाद में उन्हें एहसास हुआ कि केवल बैंक में पैसा जमा करवा के उन्हें जितना इंटरेस्ट मिलता है, उससे तो उनके खर्चे भी मुश्किल से चल पा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोचा, जिससे उन्हें लाइफ टाइम रेट रेस में भागना ना पड़े और जल्दी से जल्दी वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। ऑथर बिल गंटन का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जिन्होंने अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन में वार्डन का रोल निभाया था, उन्होंने रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अभी भी इस मूवी से हर साल 6 फिगर की इनकम रॉयल्टी के रूप में मिलती रहती है। उन्होंने बस एक बार इस मूवी को बनाने के लिए अपना टाइम दिया, उसके बाद हर साल जब वो काम कर भी नहीं रहे हैं, तब भी वो इस मूवी से पैसा कमा रहे हैं। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप रेट रेस में रहते हो, तो आप अपने टाइम को खर्च करके पैसे कमाते हो, बट जब आप मनी मेकिंग सिस्टम बिल्ड कर देते हो, तब आपको पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता और अपने आप आपके पास पैसे आते रहते हैं। ऑथर बोलते हैं कि उनकी फेमस बुक द मिलियनेयर फास्टलेन से उन्हें आज भी एक बहुत ही अच्छी इनकम मिलती रहती है, क्योंकि जब भी उस बुक को कोई परचेस करता है, तो उसका कुछ परसेंटेज उन्हें मिलता रहता है। तो वो बोलते हैं कि मैंने बस एक बार काम किया और मुझे हर साल लाखों डॉलर उससे मिलते रहते हैं। तो इसी तरह हमें भी एक सिस्टम बनाने पर ध्यान देना होगा, जिसे बिल्ड करने के बाद हम आराम से अच्छी खासी इनकम होती रहे और हम इस रेट रेस से बाहर निकल पाए और अपनी मनपसंद लाइफ को जी पाए। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।